from a town where most of the people are so close-minded. They going to school and they working a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop, cause I do. Hello guys, स्वागत है आप सभी का फिर से कमाल की न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी को दिखाने वाला हूँ सीजन 17 के अंदर आने वाले कुछ कमाल के न्यू अपडेट्स एंड फीचर्स। तो गाइज इन सभी अपडेट्स को देखने के बाद आप बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हो और गाइज सच में आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। तो प्लीज हो सके तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आओ यार बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज सीजन 17 यानी कि 1.2.0 के अपडेट में एक ऐसा मोड आने वाला है जिसका नाम होगा वायरस मोड। गाइज आप सभी ने इन्फेक्शन मोड खेला ही होगा, ये सेम टू सेम वैसा ही होने वाला है। गाइज इस न्यू मोड का जो कंसेप्ट है पूरी तरह से इन्फेक्शन मोड के ऊपर बेस्ड होगा, लेकिन गाइज इसके फीचर और ग्राफिक पूरी ही अलग होने वाले इन्फेक्शन मोड से। गाइज अभी जो आप ये स्क्रीन पर छोटा सा मैप देख पा रहे हो ये वायरस मोड का ही मैप है। गाइज ये जो मोड है चाइनीज बीटा के 1.2.0 के अपडेट के अंदर आया है, लेकिन गाइज ग्लोबल वर्जन के भी 1.2. अपडेट के अंदर ही आने वाला है। तो गाइज ये वायरस मोड बहुत ही खतरनाक है, तो आओ फिर जानते हैं इसके अंदर क्या क्या खास बात होने वाली है। गाइज इस न्यू मोड का पहला फीचर है ग्राफिक एंड लोकेशन। तो गाइस ग्राफिक एकदम इसकी रियलिस्टिक है, इसके अलावा गाइस जो लोकेशन है वो ऐसा लगता है किसी फैक्ट्री के अंदर ऐड की गई है। गाइस इसका दूसरा फीचर है न्यू मॉन्स्टर। गाइस यार इन्फेक्शन मोड के अंदर तो हमें यहाँ पर ज़ॉम्बीज देखने को मिलते हैं, लेकिन गाइस इसके अंदर काफी तरह के न्यू मॉन्स्टर ऐड किए गए हैं, तो गाइस वो भी आप सभी को दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हम इन्फेक्शन मोड के अंदर जब 3 बंदों को इन्फेक्टेड कर देते तो यहाँ पर हमें एक बड़ा ज़ॉम्बी देखने को मिलता है। तो गाइस इसके अंदर भी सेम वैसा ही, यहाँ पर 3 प्लेयर को इन्फेक्टेड करने के बाद हमें यहाँ पर एक बिग ज़ॉम्बीज देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस आप सभी को ये भी पता है कि इन्फेक्शन मोड के अंदर जब काफी ज्यादा प्लेयर इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो गाइस बाकी बचे प्लेयर डिफेंडर बन जाते हैं। तो गाइज इस मोड के अंदर भी वैसा ही होता है, लेकिन गाइज कुछ अलग टाइप से, तो गाइज वो भी आप सभी को दिखा देता हूँ। तो गाइज जब पानी सर से ऊपर चला जाता है यानी कि जब प्लेयर काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो गाइज हमारा प्लेयर ट्रांसफॉर्मर का रूप धारण कर लेता है यानी कि डिफेंडर बन जाता है। तो गाइज डिफेंडर बनने के बाद ये ज़ॉम्बी और डिफेंडर की आखिरी लड़ाई होती है, इसके बाद गाइज कोई भी गेम जीत सकता है। तो गाइज ये गेम और कंसेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। गाइज हमारा जो अगला अपडेट है वो M249 से रिलेटेड होने वाला है। हो सकता है यार काफी बंदों को इससे झटका भी लग जाए, बिकॉज गाइज यहाँ पर बहुत ही बेकार से चेंजेस हुए हैं M249 के अंदर। गाइज ये वीडियो हमारे साथ सुप गेमर ने शेयर किया, तो चलो आप सभी को दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं M249 के अंदर जिसे मैं बेकार कह रहा हूँ। गाइज आप सभी को पता है यहाँ पर हमें स्कोप के अलावा कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता था, बैकपैक में आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो गाइज M249 के अंदर मैग और गाइज स्टॉक भी लग रहा है। तो गाइज अब काफी बंदे ये सोच रहे होंगे भाई ये तो अच्छी बात है ना कि अब तो एक्सटेंडेड मैग भी लगेगा यानी कि और भी ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी। तो हाँ गाइज ये बात एकदम सच है, लेकिन गाइज अभी पूरी सच्चाई मैंने आप सभी को बताई नहीं है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले M249 के अंदर अटैचमेंट लगाकर दिखा देता हूँ इसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज की गई है। गाइज इस M249 के अंदर सभी तरह के मैग लगने वाले हैं, खास करके फास्ट रिलोड वाला मैग। तो गाइज जिसकी मदद से हम यहाँ पर M249 को फास्ट रिलोड भी कर सकते हैं। तो गाइज अभी मैं आपको यहाँ पर क्विक ड्रॉ और गाइज फास्ट रिलोड मैग यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइज सबसे पहले आप सभी को इसकी नॉर्मल कैपेसिटी बता देता हूँ, तो यहाँ पर 75 बुलेट लोड कर रही है जबकि पहले 100 करती थी ड्रॉप के निकालने के बाद में। तो चलो यार अब लगाकर देखते हैं यहाँ पर फास्ट रिलोड मैग और देखते हैं कितनी जल्दी ये रिलोड कर पाता है। मैंने यहाँ पर 1 बुलेट यूज कर ली है, अब रिलोड के बटन पे क्लिक करके आप सभी को दिखा देता हूँ कितनी जल्दी ये रिलोड कर पाता है M249 को। तो गाइज पहले M249 को रिलोड करने के लिए 7 सेकंड लगते थे, लेकिन गाइज यहाँ पर क्विक ड्रॉ मैग लगाने के बाद ओनली 4-5 सेकंड ही लग रहे हैं। तो चलो गाइज अब आप सभी को दिखाता हूँ एक्सटेंडेड मैग लगाकर यहाँ पर कितनी कैपेसिटी बढ़ जाती है M249 की। तो चलो गाइज फिर देखते हैं यहाँ पर कितनी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं पहले यहाँ पर M249 की जो कैपेसिटी थी वो 100 बुलेट लोड करने की थी, लेकिन गाइज अब चुकी है 150। तो गाइज अभी आप सोच रहे हो वाह भाई यार मजा आ गया यार इतने सारे फीचर है M249 के अंदर। तो रुको गाइज अभी तो आपको सच्चाई बताई नहीं है। तो गाइज अभी मैं जो आपको बेकार फीचर कह रहा था, तो गाइज सबसे पहला बेकार फीचर यह है कि M249 को ड्रॉप से निकालकर अब नॉर्मल लूट के अंदर रख दिया गया है। तो गाइज अब आपको नॉर्मली यहाँ पर घरों के अंदर मिलेगी, इसके अलावा इसका डैमेज भी बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है। तो गाइज लगाना झटका। तो गाइज यही सारे फीचर बता रहा था आप सभी को। तो गाइज M249 के अंदर बहुत ही बेकार चेंजेस होने वाले हैं 1.2 के अपडेट के बाद में। और गाइज ये जो अपडेट है ना एकदम रियल है, और गाइज आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट में बता सकते हो गाइज। तो चलो गाइज अब बात करते हैं अगले फीचर की, और गाइज इस बार मैं आपको कोई भी झूठ नहीं बोलने वाला, बिकॉज गाइज ये रियली में 1.2 के अपडेट के अंदर आने वाला है जिसका नाम है मोटर ग्लाइडर। गाइज इस मोटर ग्लाइडर को उड़ाने के लिए हमें यहाँ पर 3 तरह के कंट्रोल बटन दिए गए हैं, और गाइज इसको उड़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पीड भी चाहिए।
इसके अलावा गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी चीज कि हमें यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुली जगह चाहिए जिसकी मदद से आराम से उड़ पाएगा, नहीं तो गाइस ये बीच में आने वाले पेड़ और पत्थर से टकराने की वजह से पूरी स्पीड गवा देगा और हमें फिर से काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको उड़ाने के लिए। गाइस इसको उड़ाने के लिए सबसे पहले हमें स्पीड बटन और गाइस साथ में फ्लाइंग वाला बटन दोनों दबाने पड़ेंगे जब जाकर ये उड़ने वाला है। और गाइस जब एक बार ये उड़ जाए तो आपको फ्लाइंग वाले बटन की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको और भी ज्यादा ऊंचा करना है इसको तो गाइस आप उस बटन को दबा सकते हो और गाइस इसको नीचे लाने के लिए भी आपको अलग बटन यूज करने होंगे। इसके अलावा गाइस अगर आप सभी बटन को छोड़ देते हो यार तेजी से नीचे जाकर गिर जाएगा। और गाइस अभी जो मैंने बटन दबाया उसकी मदद से ये फैन घूम रहा है जिसकी मदद से आगे की तरफ ग्लाइड करते जा रहा है। ग्लाइड आप ऐसे भी कर सकते हो बिना फैन को घुमाए लेकिन गाइस इतनी ज्यादा स्पीड नहीं होगी। लेकिन गाइस इसका जो फ्यूल है बहुत ही कम चलने वाला है, यहाँ पर बहुत जल्दी ये फ्यूल की खपत करेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उसके लिए भी हमें यहाँ पर अलग से बार दिया गया है। तो गाइस कंफर्मली हमें ये 1.2 के अपडेट में देखने को मिल जाएगा। और गाइस इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कमेंट में बता सकते हो। गाइज नेक्स्ट अपडेट उन सभी लोगों को पसंद आएगा जो कि स्नाइपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गाइज आने वाले 1.2 के अपडेट के अंदर हमें एक न्यू स्नाइपर राइफल देखने को मिलने वाली जिसका नाम होगा मोजी नगांट। गाइज ये जो स्नाइपर राइफल है आज से 6 मंथ पहले पबजी पीसी वर्जन के अंदर लॉन्च की गई थी लेकिन गाइज फाइनली यार कुछ दिनों पहले यहाँ पर चाइनीज बीटा के अंदर भी लॉन्च कर दी गई है। तो गाइज इसके भी पूरे पूरे चांसेस है कि ग्लोबल के 1.2 के अपडेट यानी कि सीजन 17 के अंदर हमें ये स्नाइपर राइफल देखने को मिल जाए। गाइज इसके अंदर 45 एसीबी के बुलेट लगने वाले जो कि पिस्टल के अंदर ज्यादा लगता है या फिर यूएमपी 45 के अंदर। और गाइस अटैचमेंट की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मजल और स्टॉक ही लगने वाले हैं, यहाँ पर तो एक्सटेंडेड मैग भी नहीं लगेगा इसके अंदर। तो गाइस यार देखने में तो ये कार 98 की बड़ी बैन लगती है यानी कि थोड़ी सी साइज में बड़ी है गाइस कार 98 से। इसके अलावा गाइस इसका जो डैमेज है अभी तक रिवील नहीं हुआ कितना ज्यादा डैमेज है या कम डैमेज है। तो गाइस फिलहाल के लिए तो इस स्नाइपर राइफल का ओनली यही मोबाइल गेम प्ले अभी तक आया है। अगर गाइस फ्यूचर में कोई न्यू गेम प्ले आता है तो गाइस आप सभी को जरूर बताऊंगा। तो गाइस अभी की मिली नॉलेज के हिसाब से आपको ये स्नाइपर राइफल कैसी लगी यार कमेंट करके बता सकते हो। गाइज इन सभी कमाल के अपडेट के बाद में एक और ऐसे कमाल का मोड था जिसका इंतजार काफी लोग कर रहे थे। तो गाइज उन सभी का इंतजार खत्म हो जाएगा जब 1.2 का अपडेट पबजी मोबाइल के अंदर आ जाएगा। गाइज इस न्यू मोड का नाम होने वाला है सुपर वेपन टीडीएम मोड क्योंकि गाइज इसके अंदर में पेलोड 2.0 के सारे के सारे वेपन देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि यार पहले एक वार मोड आया था जिसके अंदर हमें ग्रेनेड लॉन्चर और भी काफी सारे सुपर वेपन देखने को मिले थे तो गाइज वैसा ही टीडीएम मोड भी होने वाला है। गाइज इस मोड को देखने के बाद एक सवाल तो आप सभी के मन में आई होगा कि भाई यार ये टीडीएम मोड पबजी मोबाइल क्यों लाना चाहता है। तो गाइस जो भी यार पेलोड 2.0 के फैन है गाइस जो दबा के पेलोड 2.0 खेलते हैं तो गाइस उसकी प्रैक्टिस के लिए यहां पर इस मोड को लाया जा रहा है। इसके अलावा गाइस फ्यूचर में भी काफी सारे ऐसे 2.0 वेपन के मोड आने वाले हैं इसीलिए यहां पर इसकी प्रैक्टिस के लिए इस मोड को लाया जा रहा है। अब गाइस वो कौन से न्यू मोड होंगे जो कि पबजी मोबाइल के अंदर आएंगे लेकिन गाइस जो भी आएंगे ना कमाल धमाल जरूर होने वाले हैं। इसके अलावा गाइस नॉर्मल टीडीएम के अंदर हमें यहाँ पर ड्रॉप वाली लूट मिलती है सेंटर में लेकिन गाइस इसके अंदर में पेलोड 2.0 का सुपर वेपन देखने को मिलेगा जिसके अंदर यार 4 रॉकेट लोड किए जाते हैं। तो गाइस है ना कमाल का मोड। गाइस ये मोड आपको कैसा लगा यार कमेंट करके बताना, मुझे तो यार बहुत ही ज्यादा ओपी लगा। गाइज अगला अपडेट भी गन के रिलेट में ही है गाइज आप सभी को पता ही है, नहीं पता तो आप सभी को बता देता हूँ। गाइज पबजी पीसी के अंदर एक न्यू गन आई जिसका नाम है MG3 और गाइज ये एक ड्रॉप वाली लूट है जबकि यहाँ पर M249 को रिमूव करके इसको ड्रॉप के अंदर डाल दिया गया है। तो गाइज अगर इन दोनों गन यानी कि M249 और MG3 को कंपेयर करें तो यार दोनों की पावर लगभग सेम है, काफी हद तक सेम है गाइज। लेकिन गाइज अब बात करते हैं पबजी मोबाइल की। तो गाइज ये एक मिथ है, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ क्योंकि गाइज अभी 1.2 के अपडेट के अंदर M249 को ड्रॉप से निकाल दिया गया है पबजी मोबाइल के अंदर यानी कि गेम फॉर पीस के बीटा वर्जन के अंदर से जो M249 को रिमूव कर दिया गया है। तो गाइज वो इसलिए रिमूव किया गया है बिकॉज गाइज MG3 गन आने वाली है बहुत ही जल्दी पबजी मोबाइल के अंदर। फिलहाल के लिए तो गाइज अभी M249 को रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पर MG3 और M249 के बिना ही हमें यहाँ पर गेम खेलना पड़ेगा। हो सकता है गाइज 1.3 यानी कि फ्यूचर के अंदर इस गन को इंक्लूड कर दिया जाए पबजी मोबाइल के अंदर। हाल फिलहाल तो गाइज यहाँ पर यही न्यूज निकल कर आई थी जो कि मैंने आप सभी को बता दी है। अब गाइज यहाँ पर मैंने आपको जितने भी फीचर बताए उनमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा, अगर आप पबजी मोबाइल के सीजन 17 पर पार्ट 2 चाहते तो आप मुझे कमेंट में टाइप करके बता सकते हो। और गाइज ये वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कर देना और लाइक कर ही दिया तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइज मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय फ्रेंड्स।